हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ अफशा। तो आज हम बनाएंगे चाउमीन, जो घर में बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आसानी से बनाई जा सकती है। तो इस रमज़ान स्पेशल में एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे नूडल्स हैं जिसे हमने फ्रीज़र में रखे हुए थे, तो हमने कुछ टाइम पहले इसे फ्रीज़र में से निकाल लिए थे। तो हमने कढ़ाई ले ली है और उसमें 2 लीटर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। आप भगोना भी ले सकते हैं। पानी को तेज़ गर्म कर लें और गर्म पानी में ही नूडल्स डालें। अगर आप ठंडे पानी में डालेंगे तो ये नूडल्स चिपक जाएंगे, तो इसलिए एकदम तेज़ गर्म पानी में ही डालें। तो इसे हम 85% 15 मिनट कुक कर लेंगे हाई फ्लेम पे। 100% नूडल्स को नहीं बॉईल करना है, वरना ये चिपक जाएंगे और टूट जाएंगे। तो हम अपने नूडल्स एक बड़ी सी ट्रे में निकाल लेंगे और ऊपर से रिफाइंड ऑयल डाल देंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। ये हमारी वेजीज हैं, बंद गोभी है एक, एक शिमला मिर्च है और हरी हल्की प्याज है जिसे स्प्रिंग ऑनियन भी कहा जाता है, और 2 हरी मिर्चें जिसे हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो आप अपने टेस्ट और पसंद के अकॉर्डिंग और भी वेजीज इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कढ़ाई में हमने 1/2 कप रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो इस स्टेज पे हम अपनी सारी वेजीज डाल देंगे। तो इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून डालेंगे भुना जीरा पाउडर। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मसाले कम डालें। तो इसे मिक्स करते हुए हम पकाएंगे। तो हमें इसे इतना कुक करना है कि इसका क्रंच बना रहे। तो 5 मिनट इसे हो गए हैं पकते हुए, अब हम अपने नूडल्स डालेंगे। तो देखिए, हम नूडल्स को इस तरह से अलग अलग कर लेंगे, फिर हम अपनी कढ़ाई में डालेंगे और इस स्टेज पे हम अपना गैस फ्लेम लो रखेंगे। तो अब हम डालेंगे डार्क सोया सॉस। अब हम इसमें डालेंगे वाइट विनेगर। इस स्टेज पे हम अपनी गैस फ्लेम हाई कर देंगे और हल्के हाथों से इसे टॉस करेंगे, हल्के हाथों से इसे घुमाएंगे ताकि ये टूटे नहीं, हल्के हाथों से ही इसे मिक्स करेंगे। तो इस स्टेज पे अगर आपको कोई सी भी चीज़ कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इस स्टेज पे गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो हमारी कम इंग्रेडिएंट्स के साथ चाउमीन बनके तैयार है। तो देखिए, हमारे नूडल्स कितने लंबे लंबे बनके तैयार हुए हैं। तो अब हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो इस रमज़ान ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी नूडल्स बनके तैयार होते हैं, बच्चे और बड़ों को दोनों को बहुत पसंद आते हैं। तो ये चाउमीन एक बार रमज़ान में ट्राई करना तो बनता है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। अब हम मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।